प्रिय विद्यार्थियों, आरसी एजो बानसुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं परिणामी सदिश की दिशा का निर्धारण। हमने इससे पहले वीडियो में अध्ययन किया था परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करना, और आज हम उसकी दिशा का अध्ययन करेंगे। दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम दिशा ज्ञात करने के लिए एक चित्र बनाते हैं, हम उसकी सहायता लेंगे। तो इस तरह से जैसे हम कोई त्रिभुज बना लेते हैं, माना जैसे पी क्यू आर, ये कोई त्रिभुज है। बिंदु आर से लंब डालते हैं, भुजा पी क्यू को थोड़ा सा आके और बढ़ा लेते हैं इस तरह से। ये माना एस बिंदु को हम इंगित कर लेते हैं। ये हम कोई एल्फा कोण मान लेते हैं, यह हम थीटा कोण मान लेते हैं। इसको भुजा जो पी क्यू है इसको हम ए वेक्टर से दर्शा सकते हैं, क्यू आर को हम बी वेक्टर मान लें, और ये जो पी आर है ये होता है परिणामी सदिश, को हम आर वेक्टर मान लेते हैं। तो ये हमारा त्रिभुज है। हम इस त्रिभुज की सहायता से, हम इस ज्यामिति की सहायता से इस परिणामी सदिश जो आर वेक्टर है उसकी दिशा का अध्ययन करेंगे, दिशा ज्ञात करेंगे अगले कंडीशन के अंदर। देखो, जो हम ध्यान रखें, यदि हमें दिशा ज्ञात करनी हो तो आप हम दिशा ज्ञात करने के लिए अपने फिजिक्स में हमेशा टेन थीटा का यूज करते हैं। देखो, ये हमारा त्रिभुज है, यानी अगर हम त्रिभुज पी एस आर, देखो इसकी बात करें पी एस आर की, तो इस त्रिभुज पी एस आर में हम अल्फा जो कोण है, अपन जानते हैं कि कोण के सामने भुजा क्या होती है, लंब। तो आर एस भुजा क्या होगी भाई, लंब हो गई। और ये जो भुजा पी एस है ये क्या हो जाएगी, आधार। और ये जो भुजा पी आर है ये क्या हो जाएगी, करण। तो हम दिशा ज्ञात करने के लिए सामान्यतः फिजिक्स में टेन थीटा का यूज करते हैं। तो ये आ जाएगा टेन थीटा की अगर हम बात करें, अब यहां देखो टेन एल्फा होगा दिशा के लिए, हम क्योंकि हम परिणामी सदिश की दिशा ज्ञात करना चाह रहे हैं इसलिए यहां पे एल्फा की बात करेंगे। तो ये हो जाएगा टेन एल्फा, टेन एल्फा बराबर, देखो वही लंब बटा आधार, लंब है आर एस और आधार हो जाएगा इसका पी एस, लंब बटा आधार, ठीक है। अब देखो हमारे पास में आर एस का मान है ही नहीं और हमारे पास में पी एस का मान भी नहीं है। अब हम आर एस और पी एस के मान भी ज्ञात कर लेते हैं। अब देखो ज्यामिति में आप देख पा रहे हैं, देखो पी एस यहां से यहां तक है, आप देख पा रहे हैं। तो पी एस को हम लिख सकते हैं भाई, क्या बताओ, पी एस हो सकता है, देखो पी क्यू प्लस में क्यू एस इज इक्वल क्या होगा, पी एस के बराबर होगा। तो हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू एस, ये भाई हो जाएगा पी एस, इस पूरी भुजा के बराबर हो जाएगा पी क्यू प्लस में क्यू एस। तो ये हम पी एस का मान रख देंगे। अब देखो आर एस का हमारे पास को मान ही नहीं है, क्योंकि पी क्यू का मान तो ए वेक्टर है और आर क्यू का मान भी बी वेक्टर है और पी आर का मान भी है। अब हम इसका मान निकाल लेंगे, देखो आगे हम मान निकालते हैं इसका। अब हम ये छोटा सा त्रिभुज इसका यूज करेंगे, आर एस क्यू एस आर या आर एस क्यू जो भी है, त्रिभुज क्यू एस आर इसकी बात करें, इसमें थीटा कोण है, थीटा के सामने भुजा हम जानते हैं लंब होते हैं, तो ये लंब हो जाएगा आर एस, क्यू एस हमारा आधार हो जाएगा और हमारा पी क्यू जो है क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा। तो हमें आर एस का मान चाहिए, तो हम आर एस के लिए अगर हम साइन थीटा की बात करें, अपन जानते हैं साइन थीटा, अपन सब जानते हैं लाल बटा कक्का एक स्तर होता है ना मैथ के अंदर, तो लंब बटा कर्ण किसका मान होता है भाई, साइन का होता है। आधार बटा कर्ण किसका होता है, कोस का, लाल बटे कक्का। और लंब बटा आधार किसका होता है भाई, टेन का होता है, लंब बटे आधार। तो हम साइन की बात करें, जो लंब बटा कर्ण होता है तो यहां आ जाएगा लंब बटा कर्ण। तो देखो लंब इसमें आर एस हो गया, आर एस, तो आर एस और करण क्या हो जाएगा भाई, क्यू आर, क्यू आर। तो यहां से आर एस का जो मान है वो क्या आ जाएगा, आर एस का मान ये आ जाएगा क्यू आर इंटू साइन थीटा, गुणा करेंगे तो। अब चूंकि क्यू आर का मान बी वेक्टर के बराबर है, तो यहां से आर एस का मान क्या आ जाएगा, बी वेक्टर इंटू क्या आ जाएगा, साइन थीटा,
ये हमारे पास में आर एस का मान आ गया। तो देखो आर एस का जो मान है, अगर भाई मैं थोड़ा ऊपर लिख दो इसको, यानी यहां तक अपने आर एस का मान ज्ञात कर ले, ये हो जाएगा। तो यानी आर एस का जो मान ये हो जाएगा, आर एस बराबर हो जाएगा, आर एस बराबर हो गया क्यू आर साइन थीटा। क्यू आर का मान बी वेक्टर के बराबर है, जो कि क्यू आर बराबर हो गया बी वेक्टर। तो यहां आ जाएगा आर एस बराबर क्या आ जाएगा भाई, बी वेक्टर इंटू ये आ जाएगा साइन थीटा। ये मान हमारे पास में आ गया आर एस का मान। अब हम इसका मान ज्ञात करें क्यू एस का। अब हम मतलब कोस की बात कर लें, जैसे कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा करण। आधार आधार इसमें क्यू एस है, तो आधार हो जाएगा क्यू एस और करण क्या हो जाएगा क्यू आर। अब हम क्यू एस का मान निकाल लें, तो यहां से क्यू एस का मान क्या आ जाएगा, क्यू आर इंटू कोस थीटा, और क्यू आर का मान बी वेक्टर के बराबर है, तो यहां से क्यू एस का मान क्या आ जाएगा, बी वेक्टर इंटू कोस थीटा। तो अपन ने क्यू एस का मान भी यहां निकाल लिया अपन ने। अब अपन ये दोनों जो मान है आर एस और पी एस, तो ये मान यहां रख देंगे। तो अपन जब ये मान यहां रखेंगे इसके अंदर, तो ये आ जाएगा टेन एल्फा बराबर, देखो आर एस, आर एस कितना है, आर एस है बी वेक्टर साइन थीटा, तो यहां जाएगा बी वेक्टर साइन थीटा अपॉन देखो पी एस। और पी एस बराबर किसके है, पी क्यू प्लस में क्यू एस। पी क्यू का मान तो है ए वेक्टर, तो टेन एल्फा बराबर ऊपर है बी वेक्टर इंटू साइन थीटा, नीचे आ जाएगा ए वेक्टर प्लस क्यू एस का मान निकाल लिया, ये रहा बी वेक्टर कॉस थीटा, बी वेक्टर कॉस थीटा। एल्फा का मान निकाले तो एल्फा हो जाएगा बराबर टेन इनवर्स इनवर्स बी वेक्टर साइन थीटा अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। तो भाई यह पास में अल्फा का मान आ गया, अल्फा क्या दिशा है। अब हम यहां विशेष अवस्था की बात करेंगे, क्योंकि अपन जानते हैं ये दोनों वेक्टर समान दिशा में हो सकते हैं, या आपस में लंबवत भी हो सकते हैं, और या आपस में विपरीत दिशा में भी हो सकते हैं। तो ये हमने देखो अल्फा का मान ज्ञात किया। अब हम इस पर विशेष अवस्था लगाएंगे कि इस पर विशेष अवस्था क्या हो सकती है, उसके हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो देखो आगे इसके अंदर विशेष अवस्था की बात करें, विशेष अवस्था में अगर हम केस फर्स्ट की बात करें, केस फर्स्ट अगर क्या होगा, अगर दोनों सदिश ए और बी समांतर हो, यानी ऐसे हमारा माना ए वेक्टर सदिश हो और ऐसे हमारा माना बी वेक्टर सदिश हो। अगर दोनों समांतर, अपन जानते हैं जब दोनों समांतर होते हैं तो इनके मध्य भाई कोण क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा जीरो डिग्री समांतर की अवस्था में। हमें दिशा ज्ञात करनी है इस कंडीशन के अंदर, हो जाएगा एल्फा बराबर टेन इनवर्स। अब देखो भाई बी वेक्टर साइन थीटा कौन जीरो डिग्री है लगा यहां पे, तो बी वेक्टर साइन जीरो डिग्री बटे में ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर कॉस जीरो डिग्री। प्रिय विद्यार्थियों अपन जानते हैं कि जो साइन जीरो का जो मान होता है, आप सब जानते हैं कि साइन जीरो का जो मान है उसका मान क्या होता है जीरो, लेकिन कोस जीरो डिग्री का भाई मान क्या होता है एक। अब देखो जब ये पूरा मान जीरो होकर के जीरो हो गया, अब हम इस पूरे जीरो में इस पूरे मान का मान अगर भाग लगाए तो पूरा मान क्या हो जाएगा जीरो, और टेन इनवर्स जीरो का मान क्या आ जाएगा जीरो। तो इस कंडीशन में हमारे पास मेल का मान अल्फा का मान क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। ये हमारा पहला केस था। हम केस सेकंड की बात करें, केस सेकंड में अगर हमारे पास दोनों सदिश लंबवत हो, जैसे माना इधर तो ए वेक्टर हो इधर हो बी वेक्टर, अगर दोनों लंबवत हैं तो भाई कोण कितना हो जाएगा, कोण हो जाएगा 90 डिग्री। दिशा ज्ञात करनी है, वो इस उत्तर में अपन कोण का मान रख देंगे, दिया जाएगा अल्फा बराबर टेन इनवर्स, देखो मान रखो बी वेक्टर साइन 90 डिग्री प्लस अपॉन सॉरी अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू कोस 90
डिग्री। अब देखो उस अपन सब जानते हैं साइन 90 डिग्री का जो मान है वो एक होता है और कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, जीरो होता है। दोनों मान अपन यहां लगा देंगे तो जब दोनों मान रखेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा बराबर टेन, तो ये आ जाएगा, इसमें मान रखेंगे तो हमारे पास जो अल्फा का जो मान आ जाएगा इस तरह से, तो अल्फा इक्वल आ जाएगा टेन इनवर्स बी वेक्टर। देखो ऊपर तो मान एक हो गया, साइन नब्बे कितना मान हो गया एक, ऊपर वर्स का बी वेक्टर, बट हम देखो ये पूरा जीरो हो गया, इसका मान जीरो होने के कारण क्या बच गया ए वेक्टर, तो ये बच गया ए वेक्टर, तो ये मान आ गया अल्फा बराबर टेन इनवर्स बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर। ये हमारी दूसरी कंडीशन है, दूसरा केस है। लास्ट हमारा केस है, केस तीसरा क्या है, जब दोनों कैसे हो, जब दोनों विपरीत हो, माना अगर इधर हमारा ए वेक्टर हो, माना इधर क्या हो बी वेक्टर हो, कौन 180 डिग्री हो जाएगी इस कंडीशन में, ठीक है, दोनों के मान रख देंगे तो ये आ जाएगा अल्फा बराबर टेन इनवर्स, मैं देखो मान रखो इसके अंदर तो वही है बी वेक्टर साइन 180 डिग्री बटे में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कॉस 180 डिग्री। अब देखो साइन जो 180 का जो मान है वो जीरो होता है और इसका मान माइनस एक, तो ये पूरा मान जब जीरो हो गया, यानी जो कि साइन 180 का जो मान है वो भाई क्या होता है जीरो होता है और इसका माइनस एक होता है, तो ये पूरा मान जीरो होगा, पूरा मान क्या हो जाएगा जीरो, जीरो इसका बाहर लगाएंगे तो इस कंडीशन में अल्फा मान क्या आ जाएगा हमारा जीरो आ जाएगा। तो ये थे हमारे तीन विशेष अवस्था, हमने अल्फा का मान ज्ञात किया, अल्फा दिशा है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।